किसान आयोग इस देश में बने ताकि किसान जब परेशानी हो तो अपनी बात उस आयोग के मार्फत से रख सके। बस यही मेरा कहना है आज के लिए, धन्यवाद। 12,000 किसानों ने आज कोई आंकड़ा उत्तर प्रदेश में सर? उत्तर प्रदेश में कितने? 12,000 पिछले साल। और ये मैं दे देता हूँ इस को लेकर आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारे उन्नाव में हमारी पीड़िता जो जिनकी पीड़िता जो इस समय उन्नाव उनके दुख उनके परिवार में जो बहुत बड़ा दुख हुआ है उस दुख में शामिल होने के लिए इस पर और पूरे देश को शामिल हो उत्तर प्रदेश पूरा शामिल हो और उस हिसाब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और 14 तारीख को हमारी जो रैली है महा रैली है उस रैली के तहत हम पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं और देश बचाओ की रैली हमारी है कि देश में जो इस समय बदहाली चल रही है परेशानी चल रही है महंगाई चल रही है उससे देश को बचाने के हिसाब से हम महा रैली को सम्मिलित कर रहे हैं। इसमें किसान मोर्चा का जो आप लोगों का है संगठन उसका कितनी भागीदारी और कितने लोग यूपी से भी जाएंगे और देश से कितने लोग किसान के? हमारे किसान कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश से करीबन 15,000 लोग आएंगे और पूरे देश से 35,000 के ऊपर हमारे किसान कांग्रेस भाई आएंगे। ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे क्योंकि ये गरीब की किसान की मजदूर की महिला सुरक्षा को लेकर बात वहाँ होगी और मैं इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमारा एक वहाँ से मैनिफेस्टो हम लोग इस पर बनाया गया था रैली के लिए कि मैं बता दूँ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है नंबर एक पर है, शिक्षा की गुणवत्ता में सबसे नीचे है इस समय, स्वास्थ्य सेवा आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से खराब है और सबसे बड़ी परेशानी है कि गन्ना किसान जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड है कि गन्ने लेकिन मिल के मालिक उसको खा गए और किसान तक वो पैसा नहीं पहुँच रहा, ये भी एक बड़ी समस्या है और लगाते रहे हैं लेकिन जनता के बीच जाकर पैठ जो आप लोग कांग्रेस आप लोग खुद विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं कि ये गलत है? आप लोग गलत बताते लेकिन जनता के बीच जाकर कैसे विश्वास दिलाएंगे? जनता के बीच जाकर हमने विश्वास दिलाया है और जनता हमारे साथ है और समय समय पे जहाँ भी जनता के साथ कोई घटना होती है कोई जनता के साथ जिस तरह से सरकार विश्वासघात कर रही है कांग्रेस पार्टी जगह जगह आंदोलन कर रही है जगह जगह जनता के बीच में जाकर अपना प्रदर्शन व्यक्त कर रही है। जमीनी स्तर पर किस तरीके के काम किए जा रहे हैं अगर बात करें किसान मोर्चा? जमीनी स्तर पर हमने पूरे देश भर में एक साल के अंदर एक साल से पहले ये थोड़ा सा ये था कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले वो स्वास्थ्य के कारण वो सब जगह जाते नहीं थे लेकिन जिस दिन से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले जी अपॉइंट हुए हैं पूरे देश भर में हमने किसान कांग्रेस का एक संगठन ब्लॉक लेवल तक खड़ा कर दिया है और आज एक आवाज़ पे एक रात में हम लोग अगर कोई बात करते तो पूरे देश भर में किसान कांग्रेस के प्रदर्शन ब्लॉक लेवल तक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार उनको छूट नहीं दे रही जो उनकी फसल की कीमत होनी चाहिए केंद्र सरकार से जो फायदा मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार उसको खरीदने को तैयार नहीं है और फायदा देने को तैयार नहीं है तो हर विरोधी सरकार है चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हो बहुत ही विरोधी सरकार है। उत्तर प्रदेश से रैली में कितने लोग शामिल होंगे? उत्तर प्रदेश से कम 15,000 किसान कांग्रेस की तरफ से किसान कांग्रेस की तरफ से 15,000 लोग उत्तर प्रदेश में शामिल होंगे और पूरे देश से 35,000 लोग किसान कांग्रेस की तरफ से रैली में शामिल होंगे।